करवा चौथ का त्योहार, बॉलीवुड का उमड़ा प्यार, पत्नी के करवा चौथ ने बचाई फिल्म स्टार जितेंद्र की जान। बॉलीवुड में जंपिंग जैक के नाम से मशहूर जितेंद्र एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं। आज भी 81 साल की उम्र में जितेंद्र कपूर इतने फिट हैं कि नौजवान अभिनेताओं को टक्कर देते हैं। जितेंद्र कपूर ने वैसे तो 200 से ज्यादा फिल्में की हैं और इसी के साथ एक्टर की जिंदगी से जुड़े तमाम मजेदार किस्से भी हैं। जनसत्ता की इस खास पेशकश में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा किस्सा जो जुड़ा है करवा चौथ के साथ। पत्नी का करवा चौथ, जितेंद्र की बच गई जान। बात 1975 की है। जीतू जी की पत्नी शोभा ने उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन ठीक इसी दिन उन्हें शूटिंग के लिए निकलना था। उनकी फ्लाइट डिले हुई तो जितेंद्र पत्नी का व्रत खुलवाने एयरपोर्ट से घर पहुंचे। फ्लाइट का टाइम हुआ तो शोभा ने जिद करके उन्हें घर पर ही रोक लिया। जितेंद्र ने मेकअप आर्टिस्ट को भी वापस बुला लिया और अगले दिन रवाना होने का फैसला किया। जितेंद्र ने पाली हिल स्थित अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ देखा तो वहां जोरदार आग लगी थी। कुछ ही समय बाद खबर आई कि इंडियन एयरलाइंस की जिस फ्लाइट से जितेंद्र जाने वाले थे वो क्रैश हो गई है। बचपन का प्यार। महज 14 साल की उम्र में जितेंद्र कपूर और शोभा कपूर एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। साल 1956 से 74 तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली। कपल के दो बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर भी हैं। इस शादी के बाद ही हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे जितेंद्र, और उसके बाद क्या हुआ ये आप सब कई फिल्मी गॉसिप में जान चुके हैं। ज्वेलरी सप्लाई से एक्टिंग तक। जितेंद्र के पिता कभी इंडस्ट्री में ज्वेलरी सप्लाई करते थे। अपने पिता के काम में कभी कभी जितेंद्र भी हाथ बटा दिया करते थे। वो ज्वेलरी लेकर वी शांताराम के पास पहुंचे थे। एक दिन शांताराम ने जितेंद्र को फिल्म नवरंग में कास्ट कर लिया, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने मेन लीड संध्या की तरह तैयार होकर उनके बॉडी डबल का काम किया था। दरअसल आग में कूदने वाले एक सीन के लिए कोई लड़की तैयार नहीं थी। ऐसे में सेट पर मौजूद जितेंद्र ने यह जिम्मेदारी उठा ली। उन्होंने लड़की का गेटअप धारण किया और शूटिंग की। फर्ज ने बना दिया सुपरस्टार। जितेंद्र की मदद से इंप्रेस होकर शांताराम ने उन्हें गीत गाया पत्थरों में फिल्म में लीड रोल दिया। फिल्म फर्ज ने जितेंद्र को सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के गीत मस्त पहाड़ों का मैं आशिक में जितेंद्र के टी शर्ट और व्हाइट जूतों का ट्रेंड बॉलीवुड में खासा चर्चित हुआ। इस ड्रेसिंग सेंस ने इंडस्ट्री में जितेंद्र की एक अलग पहचान बना दी। जितेंद्र के डांसिंग स्टाइल से उन्हें जंपिंग जैक कहा जाने लगा। जितेंद्र उस जमाने में रीमेक फिल्में करने वाले इकलौते एक्टर थे। जितेंद्र और करवा चौथ से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और बॉलीवुड की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।